Hello friends, welcome to our YouTube channel InfoGyan. Friends, IBA और UFBU की आज यानी 17 सितंबर को हुई मुंबई में मीटिंग से आई कुछ अपडेट्स आपको इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी अपडेट दी जाती हैं। ऑल ऑफिसर यूनियन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर ने एक ज्वाइंट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने आज की आईबीए के साथ हुई डिस्कशन के बारे में बताया है। आज वेज रिवीजन की वार्ता मुंबई में आईबीए के साथ हुई थी, जिसमें कि आईबीए की टीम में चेयरमैन थे नेगोशिएशन कमेटी के श्री राज किरण राय, यूबीआई से श्री प्रशांत कुमार सीएफओ, एसबीआई से श्री आलोक कुमार चौधरी एसबीआई से, और सभी ऑफिसर यूनियंस व वर्कमैन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था। आईबीए ने इस मीटिंग में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पे के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट व रिटर्न ऑफ एसेट्स के बेसिस पर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव पे को डिसाइड किया जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि यह सब आईबीए सितंबर 2018 में भी बता चुकी है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव पे के बारे में सिर्फ डिस्कशन हुई है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आईबीए ने वेज रिवीजन के लिए अपना ऑफर 12% कर दिया है, जो कि पिछली मीटिंग में 29 अगस्त को 10% था। आईबीए ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मैंडेट का इशू भी जल्द से जल्द सॉल्व हो। इसके अलावा 5-day बैंकिंग पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन के इशू पर भी डिस्कशन हुई, लेकिन इन पर भी सहमति नहीं बन पाई। आईबीए के नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन ने चारों ऑफिसर यूनियन, जो कि 26 और 27 सितंबर को स्ट्राइक पर जा रहे हैं, उनको कहा है कि वो अपनी स्ट्राइक को वापस ले ले, क्योंकि इस स्ट्राइक का असर नेगोशिएशन पर भी होगा और इससे बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके जवाब में यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि वो 30 अगस्त को जो बैंक मर्जर की घोषणा की गई है, जो कि 29 अगस्त की आईबीए के साथ हुई मीटिंग के जस्ट बाद की गई है, ये काफ़ी ज़्यादा रूड शो था सभी वर्कफोर्स, स्टेक होल्डर्स, बैंकर्स एंड कम्युनिटी के लिए। यही सब इस सर्कुलर में बताया गया है। फ्रेंड्स, ऑफिसर यूनियन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आगामी 26 व 27 सितंबर को स्ट्राइक होगी या नहीं। आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही देंगे।